मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट अकाउंट क्लास। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज पार्टनरशिप। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट की पार्टनरशिप डीड। अब देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि पार्टनर होते हैं, तो पार्टनर क्या करते हैं कि एक ओरली या रिटर्न में क्या करते हैं, एग्रीमेंट है ना, या ओरली उनका एग्रीमेंट होता है या रिटर्न में, तो मोस्टली क्या करते हैं, ओरली एग्रीमेंट ना करके रिटर्न में ही एग्रीमेंट करते हैं। क्यों करते हैं रिटर्न में, कि कोई पार्टनर मान लीजिए बदल गए, बोला हमने इतनी कैपिटल मिलाई थी, आपने तो इतनी बोल रहे हैं, या बोल सकते हैं कि आपने तो इतना प्रॉफिट बोला था, हमें तो इतना मिल रहा है। इसीलिए हमेशा क्या होता है, एग्रीमेंट जो होता है ये लिखित में ही होता है कि बाद में कोई विवाद उत्पन्न ना हो पार्टनर के बीच में और रिलेशनशिप खराब हो। तो उन लोग का एग्रीमेंट कैसा होता है, रिटर्न में ही होता है। क्लियर? तो वो जो रिटर्न में एग्रीमेंट होता है उसको ही हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्लियर? ठीक है, पार्टनरशिप डीड उसी को कहते हैं जो रिटर्न में एग्रीमेंट होता है। अब पार्टनरशिप डीड में देखिए क्या क्या बातें लिखी रहती हैं। पार्टनरशिप डीड में पहले तो जनरली चीज़ें लिखी रहती हैं कि जैसे कि फर्म का नेम क्या है, सब कितने पार्टनर हैं, उनका एड्रेस क्या है और उनकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ ऑफिस है, ये सब बातें लिखी रहती जनरली। और फिर मैन जो अकाउंटिंग से संबंधित बातें हैं कि उन लोग ने कैपिटल कितनी मिलाई है, फिर क्या लोन पार्टनर को कितना दिया है या दे सकते हैं, फिर फर्म ने कितना लोन देगी, इन बात संबंध में भी बातें लिखी रहती। फिर ड्राइंग यदि पार्टनर करेंगे तो कितना उसमें इंटरेस्ट दिया जाएगा, लोन देंगे तो कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, है ना, या फर्म से लोन लेंगे तो उनको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सैलरी कितनी दी जाएगी और प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशो में बांटा जाएगा, इक्वल बांटा जाएगा कि 2:3 या 3:2, 1:1, जैसा भी उनका रेशो होगा वो, और अदर मैटर पे भी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी रहती है। किंतु ये ध्यान दीजिए कि यदि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो फिर क्या करते हैं पार्टनर। तो यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो क्या करते हैं पार्टनर, जो पार्टनरशिप एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ना, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, उसकी अनुपस्थिति में पार्टनरशिप डीड यदि क्या हुआ है, नहीं बनाई है, ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, रूल्स कौन से फॉलो किए जाएंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर? अब उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पे सैलरी या कमीशन। कभी कभी क्या होता है, कोई पार्टनर बोलते हैं हमने ज़्यादा काम किया तो सैलरी हमको मिलना चाहिए, किंतु इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग सैलरी कोई पार्टनर को नहीं दी जाती, ना एक्स्ट्रा कोई कमीशन काम करने का दिया जाता। तो भाई आपने फर्म खोली है तो ये तो आपकी ड्यूटी है कि आप काम करेंगे ही, उसके लिए आपको अलग से क्यों सैलरी दी जाएंगी, आप प्रॉफिट तो ले रहे हैं दोनों मिलकर, क्यों हम सैलरी देंगे। तो इसलिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि कोई भी पार्टनर को ना सैलरी दी जाएगी ना अलग से कमीशन दिया जाएगा।
अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप कैपिटल, ना ही अगर पार्टनर कैपिटल लगाते हैं तो उस पर कोई इंटरेस्ट दिए जाए ना दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट, ठीक है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। भाई कैपिटल आप लगा रहे हैं उसके बदले में आपको प्रॉफिट मिल रहा है, वो भी तो ले रहे हैं, तो क्यों देंगे हम इंटरेस्ट। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि हम आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, किंतु यदि आप बीच में ज़रूरत पड़ी है ना, मिडिल में अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती तो एडिशनल यदि कैपिटल आप देते हैं उस पे आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, क्लियर। और वो कितना परसेंट दिया जाएगा, 6%, ठीक है, कितना दिया जाएगा, 6%। और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसा बांटा जाएगा, इक्वली इक्वली, जितने पार्टनर हैं उनको इक्वल इक्वल प्रॉफिट बांटा जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर डिस्कशन करेंगे, तो आप इतना ही नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। टेक